चौथे के सारे बच्चों को इस ऑनलाइन क्लास को स्वागत है। मैंने आपको अगले क्लास में यही धर्मपद विषय का थोड़ा कुछ पढ़ाया था, बाकी का अंश आज मैं पढ़ाऊंगी। जितने भी मैंने आपको पढ़ाया आपने अच्छी तरह उसे समझा या नहीं, समझ में आया? ठीक है, आया तो ठीक है। तो हमने पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था कि जब मंदिर का पूरा स्थापना हो गया लेकिन शिखर कलश स्थापित ना हो पाया तो राजा क्या हुआ ना, मुसीबत में पड़ गए। राजा बहुत चिंतित हो गए और विष्णु महाराण भी बड़े चिंतित में थे। तो राजा ने क्या किया, एक दिन विष्णु महाराण को बुलाया और बोला कि सद मैं आपको 7 दिन का मोहलत देता हूँ। वही बात बोला ना उन्होंने कि मैं आपको 7 दिन का मोहलत देता हूँ, यदि आप 7 दिन के अंदर मंदिर का शिखर कलश स्थापित ना किया तो 1200 कारीगरों की सिर काट दिया जाएगा। यही बात है ना, तो ठीक है हम यहीं तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे, तो अपने अपने किताब खोलो और देखो। इधर विष्णु महाराणा के मंदिर निर्माण के लिए घर छोड़कर आने के बाद उनके घर पर एक लड़के ने जन्म लिया। माँ ने उसका नाम दिया था धर्मपद। 12 वर्ष का होने पर उसके मन में पिता को देखने के लिए बेचैनी होने लगी। धर्मपद को अकेले छोड़ने की इच्छा माँ की ना थी, किंतु पुत्र की जीत के आगे उसकी न चली। वह साहसी और निडर भी था। धर्मपद को उसके पिता पहचाना ले, इसीलिए माँ ने अपने घर के बैल साथ में दिए थे। धर्मपद रास्ता पूछता हुआ कोणार्क पहुंचा। घर के बैल देखकर विष्णु महाराणा ने अपने पुत्र को पहचान लिया, आनंदित होकर उसे गले लगा लिया। धर्मपद ने ध्यान दिया कि उसके पिता बहुत परेशान हैं। उसने कारण पूछा। विष्णु महाराणा ने धर्मपद से सारी घटना बताई। रात बीतते ही पिता सहित 1200 कारीगरों के सिर काट दिए जाएंगे, यह जानकर धर्मपद का मन विचलित हो गया। वह तो कारीगर कुल का था ही, उसे भी कारीगरी विद्या आती थी। पिता की अनुमति लेकर वह मंदिर पर चढ़ गया और अकेले ही उसने शिखर कलश स्थापित कर दिया। विष्णु महाराणा और उसके कारीगर भाई बहुत खुश हुए। विष्णु ने कहा, इतने छोटे बालक होकर भी तुमने आज मेरी लाज रख ली। किंतु सबके मन में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ। तो आज यहां तक हम पढ़ेंगे। तो क्या हुआ ना, इधर विष्णु महाराणा के मंदिर निर्माण के लिए घर छोड़कर आने के बाद उसके घर में एक लड़का ने जन्म लिया था। विष्णु महाराणा जितने घर छाड़ी पलि आसला मंदिर कार्य करने जो आसिले और 1200 कारीगर सहित मिसी मंदिर कार्य निर्माण कले, से कौन होला ना, विष्णु महाराणा घरे कौन है गोटे छोटिया पुत्र जन्म होता, कितु सी विषय जाणी ना कि देखी ना, कारण से तो 12 वर्ष कौन एटी रही है ना, घर सहित कौन संपर्क किसी नाला, कारण से कौन फोन था कि नाला, तेणु से जन्म होए। माँ ने उसका नाम दिया था धर्मपद। तो जो विष्णु महाराणा जो पुओ जन्म होता तार नाम कौन था, धर्मपद। किए देखा माँ नाम दे धर्मपद। 12 वर्ष का होने पर उसके मन में पिता के पिता को देखने के लिए बेचैनी होने लगी। 12 वर्ष जो होगा ता मन में आसला भावना जो मो बापा केमी कौन मुझे देखनी। 12 वर्ष होगा गोटे पिला तो बापा को देखनी छोटू, से तुम मन में प्रश्न आसबनी माँ मो बापा केमी मो बापा कहते मो बापा कौटी अच्छा, से तुम सब कौन कैसे पचार मुझे जिद कला जो मुझे जी बाबा को देखा करी एत जिद कला जे ता जिद आगे माँ मुंड कौन है नईगला। 12 वर्ष का होने पर उसने मन में
पिता की देखने के लिए बेचैनी होने लगी। दादा मत को अकेले छोड़ने की इच्छा माँ की ना थी, मान तक किमती एकुटिया छाड़ी बोली दादा मन रे केबे से भाभी ना थी, किंतु पुत्र की जीत के आगे उसकी उसकी ना चले, किंतु पुत्र इतने जिद्दी कला ता आगे आ तांगो कथा किछि रहिला नाही। बहुत साहसी और निडर भी था से पिलाटी धर्मपद, कौन थिला साहसी और निडर माने से डर नथिला गांत। धर्मपद को उसके पिता पहचान ले, इसीलिए माँ ने अपने घर के बैग साथ में दिए थे। ता पुओ को केमति विश्वमाराणा जानी परिबो जे ये होची मो पुओ धर्मपद, तेणु से कौन करथिला ना ता माँ तांको बाड़ी में थिबा बरपली गछरु बरपली किछि तोड़ी ता हाथ रे देथिले। धर्मपद रास्ता पूछता हुआ कोणार पहुंच गया। धर्मपद कौन गला रास्ता पचारी पचारी, तुम्हें जान ना नुआ जगह बोले पचार आज्ञा अमुक गाँव को ये रास्ता तो अमुक लोक आम घर ये गाँ तो पचार ना ठीक से भाया सी कौन गला कोणार्क को रास्ता को डाक एमती पचारि 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 जाए कोणार्क पहुंचीगला। घर के बेल देखकर विश्वमाराणा ने अपने पुत्र को पहचान लिया। घर बर पड़ की देखिकी विश्वमाराणा कौन गला ना ताको पुओ को सी चिन्ह पारे जाणीगले आनंदित होकर उसे गले लगा लिया। वो खुशी है कि कौन गले कुंडे पकेले जाकी पकेले गेल पके गेल कर पकेले देख ल बाबा जो तुम्हारे बाबा विदेश में थे कड़े बाहर थे मसे दिमास पांच मस चार दिन पर आस थे कौन हम खुशी है कि बाबा दौड़ी गेल कर बापा सब कौन करती तुमको जाकी की नहीं गेल कर जाकी दिखती काखे पका करती ना ठीक से भाया विश्वमाराणा पु धर्मपद को जाकी गेल कर पकड़े। धर्मपद के धर्मपद ने ध्यान दिया कि उसके पिता बहुत परेशान थे। धर्मपद किंतु देखला बापा सीधा जाकी मत गेल कले किंतु बापा बहुत चिंतित थे व्यस्त थे ब्रत थे। उसने कारण पूछा से बापा को पचारा कहला बापा तुम्हें कहीं इमें क्या मन दुख कर सुखी कौन है कि आम पचारे से पचारा कारण पूछा जी बापा कौन है। विश्वमाराणा ने धर्मपद से सारी घटना बताई। विश्वमाराणा धर्मपद को सब कथा टिके लिखिकी कहले जे मंदिर केमती है कौन है मंदिर शिखर कल स्थापित हो पारे राजा या कही सब कथा टिके टिके। रात बीतते ही पिता सहित 1200 कारीगर के सिर काट दिया जाएंगे। यह जानकर धर्मपद का मन विचलित हो गया। जिते एक कथा सब शुणीदेला किए विश्वमय धर्मपद ता मन पूरा चिंता हो गला कहला कौन है राति पाइले मो बापार मुंड कटा हे 1200 बढ़ेर भी मुंड कटा हे तेणु से कौन गला पूरा विचलित व्यस्त हो गला कौन कर कौन कर कटी छुआ ना तुम्हारी भाया गोटे बहुत कारीगरी कुलका ही था सीए मध्य कौन से कारीगरी थी बढ़ईका जातिर कारीगरी मैंने कौन बढ़ई जातिर ता बापा बढ़ई थे माने जो राजमिस्त्री कहती बढ़ई नु भूल कहली राजमिस्त्री तेणु सी भी कौन से तेणु सी भी कारीगरी विद्या किसी जाना उसे भी कारीगरी विद्या आती थी किसी कारीगरी विद्या आसूला। पिता को अनुमति लेकर वह मंदिर पर चढ़ गया और अकेला ही उसने शिखर कला स्थापित कर दिया। सी कहला बाबा तुम्हें तो लगल 1200 कारीगर भाई भी लगे हाँ मत टे सुजोग दि देखी बाबा मो शिखर कलश उपर चढ़ी देखे से बसाए बसई पार्छे कि ना समस्त मन मन भाभी ना कह ये गोटे कटिया छुआ 12 वर्ष ये चढ़ी पी स्थापित करदेव आश्चर्य कथा नुह किंतु सी कौन कला तथापि समस्त बापा से 1200 कारीगर ठारू अनुमति नहीं मंदिर उपर चढ़ला एवं मंदिर से शिखर कलश को कौन कला सुंदर भाव स्थापना करदेला। विश्वमाराणा और उसके कारीगर भाई बहुत खुशी हुए ये करदे स्थापना करदे विश्वमाराणा और ता भाई कौन हेल्ला बहुत खुशी हो गले। विश्व ने कहा इतने छोटे बालक होकर भी तुमने आज मेरी लाज रख ली। विश्वमाराणा गला जा हो तू गोटे इतने कटिया छुआ मध्य है कि मो बाप मु गोटे बाप किंतु गोटे पुओ किंतु तू पुओ कि आज मोर कौन मो लाज रखीदेलु मोर मान सम्मान को बचेदेलु रखेदेलु किंतु सबके सबके मन में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ किंतु समस्त मन में गोटे प्रश्न उंकी मारा से प्रश्न कौन आर कालांश पढ़ा है तो आर कालांश बाकी जहाँ अच्छी पढ़ा आज जी पढ़ले तार कष्ट शब्द विपरीत शब्द प्रति शब्द सब लिखी मुझे पठाऊँ ताको देखिब पढ़िब मन रखिब गृह कार्य देखिए करिब हला।
मार्च मस 28 तारीख ए सॉरी 8 तारीख रु 20 तारीख ऑनलाइन क्लास हो ए वार्षिक परीक्षा हो हमर स्कूल रे आउ तेनु समस्त पिला माने मन देकी पढ़िबो एवं एई मास 22 तारीख मंगलवार दिन दिन 2:30 रे हमर अभिभावक बैठक अछि तेनु समस्त पिला माने निजर बापा मां को कहिबो विद्यालय को आसिबा पाइगा एई परीक्षा संक्रांत रे एवं अन्य कथा नै किछ आलोचना अछि ठीक अच्छे आज कालांश को ये रखा परवर्ती कालांश में पुणी तुम सहित देखा हे पाठ जहाँ दि जाए मन दे पढ़ कर जो असुविधा हम मत फोन कर पचार रोचे।